हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑर्थोस्कोपी के बारे में। तो ऑर्थोस्कोपी बेसिकली क्या होता है? एक टेक्निक होता है सर्जरी का। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ सर्जरी ऑन जॉइंट्स इन विच टिप ऑफ द ऑर्थोस्कोप जो कि 4 mm डायमीटर का होता है। 4 mm समझ रहे, बहुत ही छोटा डायमीटर, ठीक है, ऑफ टेलीस्कोप इज इंट्रोड्यूस इन टू जॉइंट टू एग्जामाइन एंड ऑपरेट। ऑर्थोस्कोपी बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें एक टिप ऑफ ऑर्थोस्कोप जो कि 4 mm डायमीटर का होता है इंट्रोड्यूस करते हैं जॉइंट में और एग्जामाइन करते हैं और ऑपरेट करते हैं। तो इसके टाइप्स क्या क्या होंगे? एक डायग्नोस्टिक आर्थोस्कोपी होती है, एक आर्थोस्कोपिक सर्जरी होती है। तो आर्थोस्कोपिक सर्जरी में बेसिकली बाय इंट्रोड्यूसिंग डायग्नोस्टिक आर्थोस्कोपी, पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कहाँ, मतलब कि उसमें वो होता है, फ्रैक्चर होता है, डिसलोकेशन होता है, तो इसको डायग्नोस्टिक आर्थोस्कोपी करते हैं या आर्थोस्कोपिक सर्जरी में करते हैं ताकि हम लोग वहाँ उसी के थ्रू माइक्रो इंस्ट्रूमेंट डाल के थ्रू अनदर स्मॉल स्किन पंक्चर हम लोग ये कर दें, ठीक है, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट डाल के कोई अलग से स्किन पंक्चर करके उसको हम लोग करेक्ट कर दें, ठीक। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक होते हैं, ठीक है ना, इसे हम लोग आजकल सर्जन जो होते हैं वो लैप्रोस्कोपी प्रेफर करते हैं, तो इसी तरह आजकल ऑर्थोपेडिक्स वाले हैं वो ऑर्थोस्कोपी प्रेफर करते हैं, राइट। तो लैप्रोस्कोपी और ऑर्थोस्कोपी थोड़ा सा वो कोरिलेट करना, ये डे केयर सर्जरी हो जाती है, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है तो डे केयर सर्जरी है ऑब्वियसली। लिटिल इमोबलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, हल्का सा इमोबलाइज करने की जरूरत पड़ती है। बेयरली विजिबल स्कार हो, क्योंकि 4 mm का डायमीटर है तो बहुत ही कम स्कार हमें देखने मिलता है। पॉसिबली अंडर लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया दे तो काम हो जाएगा, जनरल देने की जरूरत भी नहीं है। बेटर असेसमेंट ऑफ जॉइंट, ठीक है, MRI से ज़्यादा बेटर असेसमेंट है, माइक्रो हमने घुसाया है, टेलीस्कोप से देख रहे हो तुम उस चीज़ को, ठीक है ना, तो उसको बेटर असेसमेंट कर पाओगे तुम, डायनेमिक असेसमेंट ऑफ जॉइंट कर पाओगे तुम, बेटर असेसमेंट प्लस डायनेमिक असेसमेंट ऑफ जॉइंट कर पाओगे। इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं? इंडिकेशन समझने की कोशिश करना मेरे साथ। लूज बॉडी रिमूवल, ठीक है ना, इंडिकेशंस में बेसिकली हम लोग लूज बॉडी रिमूवल करते हैं, कॉन्ड्रोप्लास्टी रिपेयर और रिमूवल और डीजनरेटेड कार्टिलेज साइनोवेक्टमी, ठीक है ना। क्या करते हैं हम लोग? लूज बॉडी कोई हो गया, फैट पैट साइन जैसे ये सब, कोई लूज बॉडी आ गया वहाँ पे, उसको रिमूवल के लिए, कॉन्ट्रोप्लास्टी के लिए, रिपेयर और रिमूवल ऑफ डीजनरेटेड, कोई डीजनरेटेड कार्टिलेज हो गया तो उसको रिपेयर करना हुआ, रिमूव करना हुआ तो कॉन्ट्रोप्लास्टी यूज़ कर लिया, साइनोवेक्टमी करने के लिए, साइनोवियल बायोप्सी लेने के लिए कि कोई साइनोवियल बायोप्सी की सेप्टिक अर्थराइटिस के केस में अगर कोई बैक्टीरिया वहाँ के जाके दिक्कत तो नहीं कर रहा है, आर्थोडोसिस मतलब फ्यूजन ऑफ जॉइंट करने के लिए, आर्थोलाइसिस या रिलीज ऑफ स्टिफ जॉइंट दोनों ही करने के लिए करते हैं, ऑर्थोडेसिस के लिए भी ऑर्थोलाइसिस के लिए भी, साइनोवेक्टमी, साइनोवियल बायोप्सी, ठीक है ना, ये सब करने के लिए यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकते हैं इधर? तो इंस्ट्रूमेंट में होंगे क्या क्या होंगे, देखो क्या क्या होते हैं वहाँ पे, लैप्रोस्कोप में क्या क्या होता है समझो, आर्थ्रोस्कोप होता है, लैप्रोस्कोप होता है, वहाँ पे लाइट सोर्स एक होता है, वीडियो कैमरा होता है, टीवी मॉनिटर होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, ठीक है, क्या क्या होता है? लैप्रोस्कोप और आर्थ्रोस्कोप सेम वही चीज़, ठीक है, आर्थ्रोस्कोप होगा, ठीक है, लाइट सोर्स होगा, ऑप्टिक केबल होगा, टीवी मॉनिटर होगा, कैमरा होगा, ठीक है, वही सेम चीज़ें हैं सारी, ठीक है, उससे थोड़ा रिलेट कर लो कि आ जाएगा, और तो उसको कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्रोब, कटर, ग्रास्पर जितनी चीज़ें वहाँ पे भी यूज़ होती हैं ये भी यहाँ पे भी हैं, प्रोब होता है, कटर्स होते हैं, ग्रास्पर्स होते हैं ग्रास करने के लिए, सीजर्स होता है, नाइफ्स होते हैं, मोटराइज शेवर होता है, अंडर वाटर कटिंग कॉटरी होती है, तो प्रोब से हम लोग देखते हैं, कटर होते हैं ग्रास्प करने के लिए, सीजर्स, नाइफ, मोटराइज शेवर्स, अंडर वाटर कटिंग कॉटरी। लिमिटेशन क्या होगा? लिमिटेड केस सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि लिमिटेड केसेस के ऊपर ही काम कर सकते हैं। स्टीप लर्निंग कर्व, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही आराम आराम से हमें सर्जरी करनी, और स्टीप लर्निंग कर्व होता है, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट और एक्सपेंसिव होता है ये, ठीक है, आर्थोस्कोपी करना सबके बस की बात भी नहीं है और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, सबके लिए करवाना की सबसे करवाने की भी बस की बात नहीं होती, ठीक है ना। तो लिमिटेड केस सूटेबिलिटी होती है, एक्सपेंसिव सर्जरी होती है, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट और स्टीप लर्निंग कर्व होता है। तो ये बात रही आपकी आर्थ्रोस्कोपी के बारे में, और आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।